हम हर रोज दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं और अपनी मनपसंदा चीजें खाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसको पाचन के लिए कितने ऑर्गन्स एंड कितने बैक्टीरिया की मदद लगती है? जी हाँ, हमारे शरीर में लगभग 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं, जिसमें से अधिकांश हमारे गट में पाए जाते हैं और इस गट हेल्थ का ध्यान रखते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मेखला चंद्रा और मैं हूँ सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिसिन। और आज हम बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में और इसका कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो आइए जानेंगे कि पुअर गट हेल्थ से क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, डायरिया, एसिड बर्न, ये सब आपकी गट हेल्थ का रिफ्लेक्शन है। हमारी गट हेल्थ के मेन ड्राइवर्स हैं गट इम्यूनिटी, गट एसिड शिफ्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लोरा, यानी कि अंतर्निया में जो बैक्टीरियाज रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि पुअर गट हेल्थ के कॉजेज क्या होते हैं। इसका सबसे कॉमन कॉज होता है हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं। सेकेंड कॉज है लैक ऑफ स्लीप, यानी कि पुअर स्लीप या स्लीप डिस्टर्बेंस। अनदर कॉमन कॉज इज टेकिंग एंटीबायोटिक्स। आपका खुद का इम्यून सिस्टम वीक है। Sometimes food like high processed sugar foods also can cause disturbance in gut health. And other causes include development of new diseases, koi bhi weight mein changes aana, ya hormonal level ke changes hona. Ab hum baat karenge signs of an unhealthy gut. So sabse pehle hai stomach upset. Isme aapko symptoms dikhenge jo ki digestion se related hote hain, jaise ki constipation, diarrhea, bloating, heartburn and poor movement of stools. सेकेंड होती है इन्फ्लेमेशन। प्रोसेस फूड या कॉम्प्लेक्स शुगर्स से लेने से आपकी डाइट हैवी होती है एंड अल्टीमेटली इट कैन लीड टू अ डिक्रीज इन द गुड बैक्टीरिया। ये इन्फ्लेमेशन कॉज करती है एंड दिस कैन बिकम अ प्रिकर्सर फॉर मेनी डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर। अनदर इम्पॉर्टेंट साइन इज अनइंटेंशनल वेट चेंजेस। अगर आपने वेट लॉस या वेट गेन किया है विदाउट चेंजिंग योर डाइट एंड एक्सरसाइज, तो हम इसे अनइंटेंशनल वेट चेंज कहते हैं और ये एक साइन हो सकता है पुअर गट हेल्थ का। वेट लॉस हो सकता है फ्रॉम मैल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू समथिंग कॉल्ड एज सीबो, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसमें आपके गट के हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं। जो वेट गेन होता है दैट कैन बी फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन। अनदर इम्पॉर्टेंट साइन इज पुअर स्लीप एंड क्रॉनिक फटीग। क्या आप जानते हैं कि पुअर गट हेल्थ होने से आपकी स्लीप फ्रेगमेंटेड हो सकती है एंड अल्टीमेटली इट कैन लीड टू क्रॉनिक फटीग। अनदर कॉमन साइन इज स्किन इरिटेशन। जब आपके गट में गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं इट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन एंड कैन कॉज चेंजेस जैसे कि स्किन इरिटेशन, रैशेज एंड इवन एक्ने। एंड लास्ट इज फूड इंटॉलरेंस, यानी कि कोई स्पेसिफिक खाना जो आपसे पाचन नहीं किया जा रहा कैन बी अ साइन ऑफ डिस्टर्ब गट हेल्थ। तो अब हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ। गट हेल्थ का सबसे पहला रूल है इम्प्रूव करने के लिए इज लाइफस्टाइल चेंजेस एंड डाइट चेंजेस। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हाई स्ट्रेस लेवल्स आपके गट हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से हम उस स्ट्रेस लेवल को कम भी कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेटिंग, प्रैक्टिसिंग योगा, स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हैविंग अ पेट एंड अवॉइडिंग अल्कोहल, स्मोकिंग एंड कैफीन इनटेक। Another important tip is to improve your sleep. कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है and that can really improve your gut health. Another tip is of eating slowly. आप अपने भोजन को धीरे और ज़्यादा चबा के खाएँ, इससे मोटापे एंड डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम के चांसेस भी कम होते हैं and overall gut health इम्प्रूव होती है. Then is staying hydrated. Usually, it's recommended 2 to 3 liters of water every day. Of course, her medical disease mein ye thoda change hoega. Another important part is to take a prebiotic and a probiotic. Prebiotic jo andar ke bacteria hote hain usko promote karta hai, and probiotics are good bacteria that you can ingest. कोई भी कैप्सूल या सप्लीमेंट लेने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू एलिमिनेट जो फूड इंटॉलरेंसेस हैं। कुछ लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं एंड अदर फूड्स, सो प्लीज़ आइडेंटिफाई दोज फूड्स इन योर डाइट एंड ट्राई टू एलिमिनेट दैम। सो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस एंड डाइट मॉडिफिकेशंस करके अपनी ओवरऑल गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।